हे गाइस, अब हम जा रहे हैं विरुपक्ष टेम्पल की तरफ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको हम्पी बाजार मिलेगा, उससे होते हुए हम चलेंगे विरुपक्ष टेम्पल की तरफ। गाइस, इस टेम्पल का निर्माण 7वीं शताब्दी में ही हुआ था। यहाँ पे भगवान शिव की विरुपक्ष के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप स्टार्टिंग पे देखोगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर वाले हिस्से पे जब सनलाइट पड़ती है, यानी जब शाम की जो लाइट पड़ती है, तो ये पूरा गोल्डन कलर का दिखता है। यहाँ पे हम इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप वीआईपी लाइन की तरफ जाओगे, मीन्स अगर आप 40 रुपीज़ पे करते हो, सॉरी 25 रुपीज़ पे करते हो, तो आपको स्ट्रेट में जाने को मिलेगा। अगर आप कोई पेमेंट नहीं करते हो, तो उसके लिए आप सामने देख रहे होगे, ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। सामने आपको जो ये हाथी दिख रही है, इनका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी द एलिफेंट बोला जाता है इनको। इनके पास जाते हो और आप इनसे आशीर्वाद ले सकते हो। तो जब भी आप इधर आइएगा, तो इनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। से 45 मिनट का ट्रैवल करने के बाद हमें अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन के बाद हम उसके जैसे आगे आप बढ़ोगे, वहाँ पे मनमाता होंडा बनेगा। वहाँ पे यानी पुष्करणी है, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको कई सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पुष्करणी यानी उस टाइम का एक तालाब बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें हमारे ये टेम्पल की शेडो भी दिखती है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का सनसेट देखने के लिए, जो कि कहा जाता है अगर आप यहाँ पे आए, तो यहाँ का सनसेट बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। हमें आते हुए थोड़ा सा लेट तो हो गया है, बट चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ का कैसा व्यू है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हेमाकोटाई हिल टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तरफ। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सनसेट का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है। बहुत ही सारे लोग यहाँ पे इस व्यू को एंजॉय करने के लिए पहले से हैं। उसके बाद सनसेट के बाद हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आधा घंटा हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने के बाद, यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत पुराने रुइंस ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जिसका अप्रॉक्स 50-70% वो खराबी हो चुका है, पर फिर भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये नज़ारा। ओके, यहाँ से हम अब वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद हमें दिखेगा ये गणेशा जी का टेम्पल। जैसे ही आप वहाँ से वापस उतरेंगे, आपको अपने दाहिने साइड ये श्री गणेशा जी का टेम्पल दिखेगा। गाइस, कहा जाता है कि ये टेम्पल उस टाइम का है जब गणपति जी ने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया था, और अपने पेट पे उन्होंने नाग देवता जी को बांधा था, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। इसके बाद क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रात हो गया था, उसके बाद हम चले यहाँ नरसिम्हा जी के दर्शन करने के लिए। रात हो गया तो इसलिए वीडियो में क्लियर नहीं आया है, इसे मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ भी ऐड कर दिया है। आज के दिन का लास्ट था हमारा ये बड़ा बड़ा वलिंगा टेम्पल, यानी जो यहाँ पे शिवलिंग है, ये बहुत ही ऊंचा है।